खबर गुना से है, जहां भूसा मिल के चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मृतक के परिजनों ने मिल के मालिक पर हत्या के आरोप लगाते हुए हनुमान चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला कैंट थाना क्षेत्र का है। मामले की जानकारी देते हुए परिजनों ने कहा कि मृतक गजानंद लोधी बीती रात करीब 11 बजे से लापता था और अगली सुबह से उसकी मौत की सूचना मिली, जहां परिजनों ने मिल मालिक मुकेश राठौर पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक दिन पहले मालिक ने मृतक के साथ मारपीट की थी। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पर सुनवाई न करने के आरोप लगाए हैं। वहीं मामले में कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस से लोधा समाज प्रतिनिधि मंडल की लगभग 20 सदस्यों ने मुलाकात की है, जहां कलेक्टर ने जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद समाज के लोगों ने हनुमान चौराहे से जाम हटाया है। अच्छा, मुकेश राठौर जी घर से फरार हो गए, पुलिस वाले कह रहे बात नहीं कि वो घर पे नहीं है, हमने बोली उसको ले जाओ गिरफ्तार करो, वे कह रहे घर पे नहीं है, लौट के कभी ले जाएंगे, क्यों ले आएंगे जब तक हम बॉडी 4 दिन हो 10 दिन नहीं उठाएंगे, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, विंडो नहीं चलेगी तब तक बॉडी सच बात है, हाँ यही होना चाहिए, उसको जेल गिरफ्तारी होना चाहिए और उसके मकान पे बिल्डो जाना चाहिए। अभी आप लोग यहाँ पे कितने समय से खड़े हैं? मैं ना सुबह 6 बजे से खड़े। नहीं, चौराहे पे दो घंटा दो घंटे। पुलिस की ओर से आपको कोई आश्वासन? पुलिस हमें जूता मार रही, पुलिस हमें इंतजार करते थे मुकेश राठौर की यहाँ पे, मुकेश राठौर के यहाँ तो उनका रात को मर्डर हो गया। अच्छा, और लाश को उन्होंने उठवाया, किसने उठवाया पता नहीं, और हमको अभी तक भी घर वालों को सूचना नहीं दी किसने तो मारा किसने नहीं मारा, हम घर वालों को बताना चाहिए था ना पहले,